संबल के मिशन इंटरनेशनल एकेडमी में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और बच्चों ने शिक्षकों का रूप धारण करके कहानियां सुनाई। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावते कुरान पाक से की गई। इस मौके पर छात्रा नमरा आरिफ ने एक कविता सुनाई जिसमें शिक्षकों के बारे में विस्तार से बताया गया तथा छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम और नाटक का मंचन भी किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक मुशीर खां तरीन ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौर में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर किसी कौम को आगे बढ़ाना है तो उसको तालीम दिलाना सबसे बड़ा काम है। उन्होंने कहा बच्चों को चाहिए कि वह अपने अध्यापकों की इज्जत करें क्योंकि अध्यापक ही उनको एक काबिल इंसान बनाते हैं। इस मौके पर विद्यालय के स्टाफ और छात्र छात्राओं सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शिक्षक मिशन इंटरनेशनल एकेडमी संभल, आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो सभी के लिए शिक्षक दिवस खास होता है, ख़ास तौर पर एक शिक्षक के तौर पर और एक विद्यार्थी के तौर पर। अपने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए विद्यार्थियों के द्वारा हर वर्ष 5 सितंबर को यह मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को हुआ था, इसलिए उनके अध्यापन पेशे के प्रति उनके प्यार, उनके सम्मान, उनके आदर, उनके लगाव के कारण उनके जन्मदिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके शिक्षा में, उनका भारतीय शिक्षा में बहुत भरोसा था। साथ ही साथ वे अध्येता, एक राजनीतिक शिक्षक और भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी एक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और प्रतिभा थे। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच के रिश्ते की अगर खुशी मनाने के लिए शिक्षक दिवस एक बड़ा अवसर है। आज के दिन हम अपने स्कूल में, जैसे कि आज हमने मनाया, अपने स्कूल में, विश्वविद्यालयों में, शिक्षक संस्थान में शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। उधर संबल के पंजाबी मंदिर में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर हिंदू जागृति मंच द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विद्यालयों के 22 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत उत्कृष्ट सेवाओं के साथ सेवानिवृत्त 22 शिक्षकों को सोल उड़ाकर तथा सम्मान पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। साथ ही देश के द्वितीय उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में आए अतिथियों ने हिंदू जागृति मंच द्वारा शिक्षकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम की सराहना की। वहीं संबल की समाज सेवी संस्था ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के संस्थापक नाजिस नसीर खान ने कहा कि हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं लेकिन हमें सही और गलत का फर्क बताने वाले शिक्षक ही हमारे असली चरित्र का निर्माण करते हैं और सही मार्गदर्शन के साथ हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षकों का स्थान हमारे माता पिता से भी ऊपर होता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने और ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है और सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से एक शिक्षक ही शिक्षा प्रदान कर सकता है। संबल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। टीचर्स डे के मौके पर हमारी मकामी ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट संबल की जानिब से मुझे ये गौरव और ये सम्मान प्राप्त हुआ है। हालांकि मेरी सेवाएं, मेरी खिदमात कोई उस लेवल की नहीं थी, ये इन लोगों की ज़रा नवाजी है जो इनके पदाधिकारी हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ।